तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम कंक्रीट पंप पे डिस्कस करेंगे। ये स्विंग स्टार्टर का SP1807 मॉडल है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंक्रीट पंप का वर्क क्या है। कंक्रीट पंप जो है कंक्रीट को प्लेस करना है, एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे प्लेस करना, वो कंक्रीट पंप का ये वर्क है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसका वीडियो देखेंगे और क्या क्या इसमें वर्क है और क्या क्या चेक करना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंट्रोल पैनल है, 12 वोल्ट ऑपरेटिंग कंट्रोल पैनल है ये, तो इसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं। ठीक है, और 12 वोल्ट से ही ऑपरेशन है इसमें। तो आइए अभी इसको हम ऑन करेंगे। ये हमारा इग्निशन स्विच है, ऑन किए और ये हमारा कंट्रोल पैनल में सप्लाई आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम इंजन को चालू करेंगे और इंजन चालू करके एक बार इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले ऑन करने से पहले ये वाटर बॉक्स है, इसमें पानी चेक करते हैं जो वाटर है या ना है, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा ना तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इसमें रैम लगा हुआ है वो रैम हीट करेगा, जिसके लिए हम वाटर डालते हैं ताकि सिलेंडर जो है हमारा ऑपरेशन करेगा तो रैम मेरा हीट नहीं करेगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो वाटर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इंजन को स्टार्ट किए, इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट होने के बाद में ये हमारा RPM मीटर है और पंपिंग आवर्स मीटर और इंजन वर्किंग आवर्स मीटर। ठीक है, अरे हाइड्रोलिक पर सब पैरामीटर 5 मीटर है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये एक्सीलेटर के लिए है, जब आप एक्सीलेटर को रेस देना चाहते हैं तो मैनुअली इसको यहाँ से रेस देना पड़ेगा, तो हमारा RPM यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, तो RPM के लिए है वो, इंजन को रेस के लिए। और इसमें जब हम कंक्रीट करेंगे ना तो मैक्सिमम RPM 2100 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और मिनिमम 600 से 800 RPM होना चाहिए, ये मिनिमम जब हम इंजन को आइडल में रखेंगे तो 800। ये एजिजेटर के लिए बटन दिया हुआ है और इसको अभी देखिए, ये हमारा एजिजेटर का बटन है। अभी इसको चालू करने से पहले देखेंगे एक बार एजिजेटर हमारा किधर है। ये हॉपर है, इसके अंदर में एजिजेटर लगा हुआ है, ये एजिजेटर साफ है हमारा। अभी जैसे वहाँ से ऑन करेंगे तो ये हमारा घूमने लगेगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिक के थ्रू कंट्रोल है, इसको ऑन किए, 12 वोल्ट सप्लाई 7 के थ्रू गया इसमें इसकी कंट्रोल ब्लॉक में, और ये देखिए ये अभी वर्किंग में आ गया। इसको वर्क इसलिए करते हैं जो कंक्रीट है ना हमारा, कंक्रीट को मिक्स करेगा और सेट नहीं होने देगा। और मान के चलिए दोस्तों, अगर इसमें साफ नहीं रहेगा तो ये कंक्रीट हमारा क्या होगा, एक जगह सेट हो जाएगा। इसके लिए इसको रखते हैं जो कंक्रीट का हमारा रनिंग होने देगा। और ये ऑन का बटन है, ऑफ का है, और ये हमारा इसका इंजन का स्टॉक के लिए। ठीक है, तभी देखिए हमारा स्टॉक लग रहा है। स्टॉक लगने के बाद ये प्रेशर 120-125 बार जाना चाहिए और ये जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और तो ये हमारा वर्किंग प्रेशर है आइडल में दोस्तों। तो ये कंक्रीट पंप देखिए, अभी हमारा स्टॉक लग रहा है। देखिए अभी हमारा रॉक वाल है, रॉक वाल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉकिंग अभी हम आइडल में चेक करते हैं कंक्रीट डालने से पहले, जहाँ ये हमारा प्रॉपरली ओके काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी हम सब चेक करेंगे। तो ये RMC कंक्रीट पंप है। ठीक है, तो इसमें किलो स्क्वायर का इंजन लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इंजन ऑपरेटेड है। अभी देखिए हमारा साफ भी रनिंग हो रहा है और उसके बाद स्टॉक भी लग रहा है। ठीक है, अभी इसको हम जब स्टॉक लगने के बाद में, अभी देखिए हमने एजिजेटर का ये दिया हुआ है, एजिजेटर चालू कर रहे हैं तो 50 बार वो हमारा प्रेशर आ रहा है। ये हमारा कंट्रोल ब्लॉक है, पूरे हाइड्रोलिक का जो कंट्रोल ब्लॉक है यही है, और यही से सब ऑपरेशन होता है। ये मैनुअली सेलोनॉइड वाल्व है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व बोलते हैं इसको। तो मैनुअली जब ऑपरेट देखिए, जब मैनुअली ऑपरेट करके भी चेक कर लेते हैं जो मैनुअली काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, जब आप कंक्रीट डालेंगे और इलेक्ट्रिकल से आप ऑपरेट कर रहे हैं, अगर कुछ फंक्शन काम नहीं किया, सप्लाई नहीं आया,
तो उस समय हमारा मैनुअली वर्किंग कर रहा है कि नहीं, उसके पहले चेक करना ज़रूरी है। अगर चेक नहीं कर रहा है तो फिर कंक्रीट खाली कर, वो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा इलेक्ट्रिकल में तो इशू हो जाएगा। इसके लिए ये सब हम चेक करते हैं। ये हमारा ये सेटअप वाल है यहाँ पे, इसको हम पहले क्लोज करके प्रेशर देखेंगे, जो हमारा कंक्रीट का प्रेशर 300 बार आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम सेटअप वाल को कंट्रोल ब्लॉक से क्लोज कर दिया। अब जब हम स्टॉक मारेंगे तो ये स्टॉक जो है हमारा 300 बार यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बार ही मारेंगे। तो देखिए अभी स्टॉक मारा और बटन दबाया, ये देखिए 300 बार आ रहा है, यानी मेरा वर्किंग प्रेशर सही है। ठीक है, तो अब हम इसको कंक्रीट कर सकते हैं। ये अभी इसको इमरजेंसी दबाया, इमरजेंसी इसके लिए दिया है कुछ, आपको इमरजेंसी में अगर काम कर रहा है तो इमरजेंसी बटन को दबा के, और जब ऑन करेंगे तो नहीं काम करेगा। अभी देखिए इमरजेंसी हटा दिया तो काम करने लगा, तो ये इमरजेंसी की है ये। ठीक है दोस्तों, ये किर्लोस्कर का इंजन है और इसमें मेन हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, ईटन का हाइड्रोलिक पंप है और किर्लोस्कर का इंजन है 100 हॉर्स पावर का 6 सिलेंडर में दोस्तों। ठीक है, तो इसका ये हमारा 6 सिलेंडर का जो किर्लोस्कर है, ये देखिए हाइड्रोलिक टैंक है और इसमें हाइड्रोलिक गेज दिया हुआ है, तो आप ये सब चेक कर सकते हैं। चेक पहले चालू करने से पहले चेक करना है हाइड्रोलिक अगर हमारा कम है। ये रिमोट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप रिमोट से चलाना चाह रहे हैं तो रिमोट आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए रिमोट है, अभी हम इस रिमोट को यहाँ पे लगाएंगे और रिमोट लगाने के बाद दोस्तों क्या है, अब हमारा रिमोट सेपरेटेड होगा। इस पंप में खासियत है, आप इसको जहाँ मन वहाँ सेपरेट कर सकते हैं रिमोट को ले जाकर। ठीक है, ये हमारा रिमोट है और रिमोट को अभी जब इसको हम ऑपरेशन करेंगे, देखिए रिमोट को भी देखना है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल से बटन दबाने पर काम कर रहा है, तो रिमोट भी वर्किंग है, नया कंक्रीट पंप है, कमीशनिंग मोड कमीशनिंग का भी काम चालू है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये रिमोट है, रिमोट से भी ऑपरेशन होता है इस पंप में, दो चीज़ से ऑप्शनल है। अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है तो कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रहा है तो मैनुअल, तीन चीज़ से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट रिमोट से करना बहुत इजी होता है, उससे क्या होगा कंक्रीट कैसा आ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप स्टॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रिमोट का ऑपरेशन आप देख लिए, अब इसको देखेंगे कंक्रीट पंप में कंक्रीट लोड ट्रायल करके, जो लोड ट्रायल जब हम कंक्रीट को करेंगे तो उसके पहले क्या क्या चेकअप करना है। ठीक है दोस्तों, अभी आइए इसको एक बार देखते हैं। ये स्टॉप के लिए दिया हुआ, अब नेक्स्ट देखेंगे गिरिश लुब्रिकेशन पंप। ठीक है, ये गिरिश लुब्रिकेशन पंप है, ऑटो गिरिश लुब्रिकेशन पंप, ये इलेक्ट्रिकल है, इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं सेलोनाइट के थ्रू। ये इसमें सेटिंग जो भी डालेंगे आप, उसके बाद ये गिरिश पंप ऑटो चलेगा और इसकी लुब्रिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, ये 12 वोल्ट है, इसको सेट करके रखते हैं हर 20 मिनट पर 5 मिनट चलेंगे। ये हमारा हाइड्रोलिक कूलर फैन है, इसको चेक करते हैं जो चल ये वर्किंग में है कि नहीं। जब वर्किंग में रहेगा तो बाहर का हवा खींचना चाहिए। ये देखिए ये अभी वर्किंग में है। ठीक है, ये सब वर्किंग में होना चाहिए। अगर ये मान के चलिए दोस्तों वर्किंग में नहीं है तो हाइड्रोलिक हमारा हीट करेगा, 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारे कंपोनेंट को खराबी नुकसान पहुँचाएगा ना। ठीक है, ये अपना हॉपर है। ठीक है दोस्तों, 1807 मॉडल है कंक्रीट पंप का। ये स्विंग स्टार्टर का नया नया पंप आया है जिसकी मॉडल है SP1807M1, ये वर्जन है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कंक्रीट कैसे करते हैं वो चेक करेंगे। सबसे पहले पाइपलाइन करते हैं, तो ये पाइपलाइन जो है पाइपलाइन करने के बाद देखिए पाइपलाइन ऑलरेडी हो चुका है, इसमें आपको दिखेगा ये कंक्रीट प्लेस करेगा। ये पाइपलाइन ऑलरेडी हुआ है, इसकी साइज होता है 125 DN, कंक्रीट पाइपलाइन पाइप का साइज होता है 125 3 मीटर का एक पाइप का लेंथ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अभी हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल में जो इसकी वर्किंग कैसे कंक्रीट एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करता है। इसको दोस्तों 100 मीटर 150 मीटर
आपको कंक्रीट अगर ऊपर करना है तो आप रिचिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये कंक्रीट पंप जो है, इसमें एक चीज़ यही फायदा है, जो आप एक जगह से दूसरी जगह कंक्रीट को शिफ्ट करने में एकदम ईजी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम सेल्वी बनाते हैं। देखिए एक पाउडर है, वाटर डालने के बाद जब हम इस पाउडर को मिक्स करेंगे तो हमारा लुब्रिकेशन, जैसे सरफ और पानी को कैसे लुब्रिकेशन हो जाता है, तो वैसा ही लुब्रिकेशन हो जाएगा, ताकि पाइपलाइन जो है हमारा लुब्रिकेशन रहे। इसके लिए सेल्वी देखिए, ये भी हमारा लुब्रिकेशन पूरा हो गया। अभी हम स्टॉक मार रहे हैं इसको, तो ये हमारा पाइप में जाके पाइप को लुब्रिकेशन करके रखेगा, ताकि कंक्रीट जाएगा तो सेट ना हो। इसके लिए हम लोग करते हैं, अभी देखिए कंक्रीट है, ये कंक्रीट जो हम इसमें डाल दिया, सेलरी डालने के बाद कंक्रीट जो डालते हैं, ये कंक्रीट है। उसके बाद हमारा ये जीजेटर साफ्ट इसमें घूम रहा है, कंक्रीट को और मिक्स कर रहा है। इससे फ़ायदा होता है, जो जीजेटर साफ्ट घूमते रहना चाहिए। अभी ये स्टॉक मार रहे हैं, ठीक है, स्टॉक ये जा रहा है। और ये ट्रांजिट मिक्सर है, ये आप हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बैचिंग प्लांट से कंक्रीट लोड होकर आया है और यहाँ पे पॉइंट पे लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप ये चीज़ देख रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन, और ये कंक्रीट पंप देखिए, स्टॉक मारने के बाद यहाँ पे कंक्रीट रिचिंग हो रहा है। ये अभी 30 मीटर लाइन है, 40 मीटर समथिंग, 40 मीटर यहाँ पे कंक्रीट आ रहा है। ये देखिए स्टॉक वहाँ से लग रहा है, यहाँ कंक्रीट आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कंक्रीट पंप क्या है और इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको वीडियो देखकर समझ में आए जो इस कंक्रीट पंप की वर्किंग प्रेशर क्या है, ठीक है दोस्तों।